जामनगर हिंदू समाज द्वारा श्रावण मास निमित्ते कैफे में बेसी शिवजी की ऑनलाइन आराधना कराई। जामनगर हिंदू समाज द्वारा श्रावण मास में कैफे में बेसी ऑनलाइन करी शिवजी की आराधना। जामनगर में पवित्र श्रावण मास दरमियान हिंदू सेना गुजरात प्रमुख एडवोकेट प्रतीप भट्टना मार्गदर्शन हेठ जामनगर की कैफे खाते बेसी पवित्र श्रावण मास की ऑनलाइन शिवजी की आराधना कर मोटी संख्या में हिंदू सेना कार्यक्रमों लीधो लाभ। जामनगर में पवित्र श्रावण मास चली रहा है तेरे तेना भागरूपे जामनगर की हिंदू सेना द्वारा गुजरात हिंदू सेना अध्यक्ष एडवोकेट प्रतीक भट्टना मार्गदर्शन हेठ पवित्र श्रावण मास दरमियान जामनगर की कैफे खाते ओम नमो शिवाय मंत्रों कर विदेश व्हाट्सअपना मध्यम से 111 ईमेल और 1111 टेक्स्ट मैसेज कर शिवजी की आराधना करी थी। तरह शिवजी की आराधना वक्त हिंदू सेना प्रमुख एडवोकेट प्रतीक भट्ट मयूर चंदन किशन नंदा यशांत त्रिवेदी हार्दिक सिंह चुड़ासमा राहित भंशाली मोहित राठौड़ सहित मोटी संख्या में हिंदू सेना कार्यक्रो उपस्थित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट इनायत खान पठान जामनगर। जय श्री राम। प्रतीक भट्ट हिंदू सेना गुजरात अध्यक्ष। आज युवा गैररस्ते दौराई रहा है, सोशल मीडिया नो गैरउपयोग थई रह्यो छे। गेमोमां पानना गले टी पोस्ट पर काफेमां गेमो रमीने अलग अलग विषयों पर सोशल मीडिया नो उपयोग करीने आज नो मारो सैनिक हिंदू सेना नो सैनिक युवानो ने प्रेरणा आपे छे, प्रोत्साहन आपे छे अने कहे छे के आज नो युवान एटले आवतु भविष्य छे अने सोशल मीडिया ना माध्यम थी शिवजी नी आराधना करी शके छे। पानना गले होय के टी पोस्ट होय के काफे होय મંત્રોજાન ઉચ્ચાર કરેલો છે। 21 તાલુકા 21 જિલ્લા 21 ગામડાઓમાં અને ટોટલ 21,000 સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ 5,25,000 શિવ ઓમ નમઃ શિવાય અને શિવ મંત્રોજાનનો મેસેજ પહોંચાડેલા છે। બે લેપટોપ અને 21 મોબાઈલના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે। આ કાર્યક્રમનો આયોજન કરવાનો હેતુ આજકાલના યુવાધન સોશિયલ મીડિયામાં અને પાનની ગલામાં કેફેમાં ટાઈમ પસાર કરે છે અને ટાઈમનો વેડફાળ કરે છે। એના જ માધ્યમથી આજે કેફેમાં બેસીને આ કાર્યક્રમ કેવી રીતના થઈ શકે અને ફ્રી ટાઈમમાં બેસીને કેવી રીતના ભક્તિમાં વાતાવરણ ઊભું કરી શકે એ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે। સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને ભારતના ગૃહમંત્રીને લવ જિયાદ લેન્ડ જિયાદ અને અસંતારો લાગુ કરવા માટેનું રજૂઆત પણ કરેલ છે। જય શ્રી રામ મહાદેવ।